नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग सामने चिलबिल का पेड़ लेकर आया हूं और इसी चिलबिल के फायदों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़ायदा जानने से पहले आप चिलबिल के पेड़ को ठीक से देखकर पहचान लीजिए कि यह चिलबिल का पेड़ कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, यह है चिलबिल का पत्ता, यह आगे का हिस्सा है और यह है पीछे का हिस्सा। तो आओ चलो अब हम इसके जड़ के पास चलते हैं, देखते हैं इसका जड़ कैसा दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, यह है चिलबिल का जड़। ये देखिए, यह है चिलबिल का जड़ और जो कि बड़ा ही सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। इस तरह से कुछ होता है। और यह है पूरा पेड़। और हाँ दोस्तों, इसमें फल भी होते हैं चपटे चपटे, वह फल भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप फल भी देख लीजिए ताकि आपको यह पेड़ पहचानने में आसानी हो और इसका आप उपयोग कर सकें अपने रोगों को ठीक करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पहचान लीजिए। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पेड़ को देखकर पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदों के बारे में भी कुछ जान लें कि आखिर इसे हम किस रोग में उपयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह जो है चिलबिल का पत्ता, यह बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है त्वचा रोग के लिए। अगर किसी को त्वचा रोग हो, दाद हो, खाज हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, अकवत हो, अपरस हो, यानी किसी प्रकार का त्वचा रोग हो, तो आप इस चिलबिल के पत्ते को तोड़कर पत्थर के सिल में या फिर मिक्सर में पीसकर इसका जूस निकाल लीजिए, रस। उस रस को आप त्वचा रोग में लगाइए तो इसके रस के लगते ही त्वचा रोग ठीक होने लगता है। इतना फायदेमंद है यह चिलबिल का पत्ता त्वचा रोग को ठीक करने के लिए। और दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि अगर किसी के दांत में पैरिया हो या दांत दर्द करता हो, मसूड़ों से खून मवाद आता हो, तो आप इसके इस तरह से चिलबिल के डेंटल को तोड़कर आप दतून कीजिए तो इसके दतून से दांत के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। इतना फायदेमंद है इस चिलबिल का दतून, देख लीजिए, पहचान लीजिए। और तीसरा उपाय इसका मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को दर्द हो हाथ पैर घुटनों में या कमर में, तो आप इस चिलबिल की छाल को निकाल लीजिए 500 ग्राम तक, और इसके छाल के साथ में सहजन के छाल निकाल लीजिए 500 ग्राम तक। दोनों छाल को मिलाकर आधा किलो सेंधा नमक डालकर पानी में पकाइए, कम से कम 5 लीटर पानी में पकाइए। पकने के बाद जो काढ़ा तैयार होगा, उस काढ़े से आप दर्द के स्थान पर सिकाई कीजिए तो आपको दर्द से राहत मिलेगा, आराम मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इसके फल का पापड़ी जैसा इसका फल होता है, उस फल के अंदर गिरी होते हैं, उस गिरी का हलवा बनाकर सेवन करने से शरीर का बल बढ़ता है, ताकत बढ़ता है, स्टेमिना पावर बढ़ता है, धातु पुष्ट होता है, स्त्री पुरुष दोनों के शरीरों के कमजोरी को दूर करने का काम करता है इस चिलबिल के फली के अंदर जो बीज होते हैं। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अब हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।